दोस्तों आज की कहानी है ननद जी, आप मेरी बर्थडे पार्टी में मत आना। दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। कोनिका और सुमित की शादी को एक महीना हो गया है। शादी के 3 दिन बाद दोनों शिमला चले गए। जब शिमला से वापस आए तो सुमित की दीदी के घर घूमने चले गए। पूरा महीना ऐसे ही निकला गया। आज अपने बेटे बहू की शादी को एक महीना हो जाने पर मंजू जी सुमित की माँ ने खीर बनाई है। कोनिका नहाने गई है। जैसे ही कोनिका तैयार होकर आती है मंजू जी कोनिका से कहती हैं, बेटा आज तुम्हारी शादी को एक महीना हो गया है तो मैंने ये खीर बनाई है। तुम और सुमित भगवान को भोग लगा दो, मैं अभी सुमित को बुलाती हूँ। अरे मम्मी जी इसकी क्या जरूरत थी, कोनिका ने मंजू जी से कहा। मंजू जी ने उत्तर में मुस्कुरा दिया और सुमित को आवाज लगाने चली गई। शाम को सुमित ऑफिस से घर आया तो रसगुल्ले का डिब्बा मंजू जी को थमाते हुए कहा, मम्मी ये लो रसगुल्ले। तभी कोनिका आई और कहने लगी, सुमित आज हम खाना खाने बाहर चलेंगे। आज हमारी शादी को एक महीना हो गया है तो बाहर घूम भी आएंगे। हाँ हाँ क्यों नहीं, हम सब चलेंगे। मम्मी तुम्हारा क्या कहना है, सुमित ने माँ से पूछते हुए कहा। तुम दोनों को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मैंने तुम दोनों की पसंद का खाना बनाया है। कोनिका की पसंद का मटर पनीर और पुलाव और तुम्हारी पसंद का पाइनएप्पल रायता कसौड़ी और मिक्स सब्जी। मीठे की कमी थी इसलिए तुमसे रसगुल्ला लाने को कहा था जो तुम ले आए। मंजू जी ने सुमित से कहा, वाह माँ लेकिन आपने इतनी मेहनत क्यों की। सुमित ने कहा, बच्चों के लिए खाना बनाना मेहनत नहीं प्यार होता है। मंजू जी ने कहा, मगर मेरा तो आज साइनिज खाने का बहुत मन था। ये सब नहीं, कोनिका ने कहा। कोनिका की बात सुनकर मंजू जी का चेहरा उतर गया मगर उन्होंने उससे प्यार से कहा, कोई बात नहीं अब खाना बन गया है तो यही खा लो, तुम दोनों कल घूम आना। कोनिका ने जानबूझकर बहुत थोड़ा सा खाना खाया और रसगुल्ले की जगह आइसक्रीम खाकर पेट भर लिया। सारा पुलाव और मटर पनीर ऐसे ही रखा रह गया। ऐसे ही एक दिन मंजू जी अपनी सहेलियों के साथ शॉपिंग करने गई। उन्होंने कोनिका के लिए एक सूट खरीदा और घर आते ही कोनिका को खुशी से दिखाते हुए कहा, तुम्हें बहुत पसंद है ना पीला रंग। उस दिन टीवी में जिस सूट को देखकर कह रही थी कि कितना सुंदर डिजाइन है, बिल्कुल वही डिजाइन और पीले रंग का सूट है, कैसा लगा। ओफो मम्मी जी मुझे पीला रंग पसंद है मगर इस डिजाइन में ये रंग बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। आपको मेरे लिए सूट खरीदना था तो मुझे अपने साथ ले जाती। कोनिका ने सूट लिया और कमरे में चली गई। मंजू जी की सहेली को सूट खरीदना था और जब मंजू जी ने पीले रंग का सूट देखा तो उन्हें कोनिका की बात याद आ गई, इसलिए सूट खरीद लिया। सूट वाकई में बहुत सुंदर था मगर कोनिका ने अपनी बातों से मंजू जी का दिल दुखा दिया और तो और एक गिलास पानी तक नहीं पूछा। कोनिका ज्यादातर समय अपने कमरे में ही बिताती हैं। घर पर बर्तन और साफ सफाई के लिए काम वाली बाई लगी हैं। फिर भी कपड़े धोना, रसोई का काम और भी घर के बहुत से काम होते हैं जिन्हें ज्यादातर मंजू जी ही करती हैं। कोनिका बस अपने कपड़े धो लेती हैं, कभी कभार कोई सब्जी बना दी या कोई ऊपरी काम कर दिया। सुमित ने भी कहा कि माँ की मदद कर दिया करो तो कोनिका कहती, मैं कौन सा उनसे काम करने के लिए कहती हूँ, वह तो खुद ही करती रहती हैं। मैं क्या पूरा दिन खाली बैठी रहती हूँ। शादी को 7 महीने हो गए,
कोनिका प्रेग्नेंट है। सुमित और उसके मम्मी पापा कोनिका का भरपूर ख्याल रखते हैं। कोनिका कुछ दिन के लिए मायके जाने को जिद करती है। सुमित उसे मायके छोड़ाता है। अचानक कोनिका को देख उसकी भाभी ज्योति थोड़ा असंभव में पड़ जाती है। कोनिका कहती है सरप्राइज। कोनिका अपनी माँ सारिका और भाभी के गले लगती है। ज्योति पानी लेकर आती है और सारिका जी से कहती है, मम्मी जी कोनिका को आपके हाथ की साये पसंद है तो आप ही बना दीजिए और साथ में पकोड़े भी बना दीजिएगा, भूख लगी होगी है ना। कोनिका कहकर अपना मोबाइल लेकर बैठ जाती है। सारिका जी सबके लिए साई और पकोड़े लेकर आती है। सब लोग बातचीत करते हुए साई पकोड़े का आनंद लेने लगते हैं। कोनिका तुम आराम करो, मम्मी जी दोपहर के खाने में आप सब्जी और रोटी बना दीजिएगा, मैंने दाल और चावल बना दिए हैं। ऐसा कहकर ज्योति अपने कमरे में चली जाती हैं। सारिका जी जैसे ही खाना बनाने के लिए उठती हैं, कोनिका कहती है, माँ थोड़ी देर तो मेरे पास बैठो। सारिका जी ने कहा, बेटा पहले खाना बना लो, नहीं तो देर हो जाएगी। सारिका जी खाना बनाने लगी। कोनिका अकेली बैठी रही। शाम को भी सारिका जी घर के काम में व्यस्त रहती हैं। कभी अपने पोते उत्कर्ष को खिलाने बैठ जाती हैं, कभी कुछ। अगले दिन ज्योति का बर्थडे है। शाम को सारिका जी ज्योति के लिए उसका पसंदीदा इडली सांभर और नारियल की चटनी आती है। लेकिन ज्योति को तैयार देख पूछती है, कहीं जा रही हो? तो ज्योति कहती है, हाँ मम्मी जी मैं क्लासिक रेस्टोरेंट जा रही हूँ, आपके बेटे ने मेरे लिए बर्थडे पार्टी रखी है, वहाँ मेरी सब सहेली और उनके पति आ रहे हैं, तो आप उत्कर्ष को संभाल लीजिएगा। लेकिन मैंने तो तुम्हारी पसंद का इडली सांभर और नारियल की चटनी बनाई है, तुमने बताया क्यों नहीं कि पार्टी रखी है? सारिका जी ने पूछा, मेरी सहेलियां पार्टी के लिए बहुत कह रही थी और सब अचानक में हुआ तो बताना भूल गई। ज्योति ने कहा, भाभी मैं और मम्मी भी तैयार हो जाते हैं, फिर आपकी पार्टी में धमाल करेंगे। कोनिका ने खुश होते हुए कहा, मम्मी जी आपने जो मेरी पसंद का खाना बनाया है उसे आप और कोनिका खा लीजिएगा। कोनिका तुम प्रेग्नेंट हो, बाहर जाकर क्या करोगी? कहीं कोई प्रॉब्लम हो गई तो तुम घर पर ही रहो। कहकर ज्योति घर से निकल जाती है। अपनी माँ की आंखों में आंसू और उतरा सहरा देख कोनिका को अपनी सास के साथ किया हुआ अपना व्यवहार याद आने लगता है कि कैसे उसकी सास भी उसकी पसंद का खाना बनाती है, उसकी पसंद की चीजें लाती है, मगर कितने बेकार तरह से वह उनको जवाब देती है और उनके प्यार को नजरअंदाज करती रहती है। कितना ख्याल रखती है सासू माँ उसका, या उसकी माँ भी कितना ख्याल रख रही है उसकी भाभी का, मगर भाभी तो पहले ऐसे नहीं थी। ये मेरे ही कर्मों का फल है जो मेरे कारण मेरी माँ को मिला है। वह सुमित को कॉल करके कहती है, सुमित तुम आज शाम को मुझे लेने आ जाना। सुमित ने पूछा, क्या हुआ? अभी तो दो ही दिन हुए हैं, कुछ नहीं, तुम आ जाना, कोनिका ने कहा। शाम को सुमित कोनिका को लेकर घर आ गया। घर आते ही कोनिका मंजू जी के गले लग गई। उसकी आंखों से पश्चाताप के आंसू बह रहे थे। मंजू जी ने कहा, क्या हुआ मेरी बेटी, क्यों रो रही है? मम्मी जी आपने मुझे कितना प्यार दिया, मुझे अपनी बेटी बनाकर रखा, लेकिन मैंने सदा आपका अपमान किया। मुझे नहीं पता कि मैं ऐसा क्यों कर रही थी, लेकिन मैं आगे से आपका दिल कभी नहीं दुखाऊंगी, आप मुझे माफ कर दीजिए। कोनिका ने रोते रोते कहा, पहले तुम रोना बंद करो, ऐसी हालत में रोना अच्छी बात नहीं। ये लो पानी पियो, क्या खाओगी, भूख लगी होगी ना? मंजू जी ने कहा, जो भी आप खिलाएगी
कौनिका ने रोते हुए ही कहा। कौनिका का पश्चाताप उसकी आंखों से आंसुओं के रूप में बह रहा था। कौनिका को शायद अपनी गलती का एहसास कभी नहीं होता। अगर वह अपनी माँ के साथ भी वही व्यवहार न होते हुए देखती जो वह अपनी सास के साथ कर रही थी, क्योंकि हमें अपनी गलती अपने बुरे व्यवहार का एहसास तभी होता है जब वह हमारे खुद के साथ या हमारे किसी अपने के साथ होता है। जब अपने पर गुजरती है तभी बात समझ आती है। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।